हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर नगेंद्र थालोर। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्डियोफोबिया और हार्ट अटैक में दोनों में कैसे डिफरेंस पता करें। कार्डियोफोबिया और हार्ट अटैक दोनों कंडीशन के जो सिम्टम्स रहते हैं मोस्टली सिमिलर रहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। कार्डियोफोबिया और हार्ट अटैक में डिफरेंस पता करने के लिए टोटल 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है एज। किसी पेशेंट को सिम्टम्स हैं और उसकी एज यदि 20 ईयर है, 25 है, 30 ईयर है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो कार्डियोफोबिया के कारण है। वहीं पे यदि पेशेंट की एज 60, 70, 80 है, यानी ओल्ड एज है, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन में सबसे पहला है करेक्टर। तो जो कार्डियोफोबिया का पेन है वो शार्प स्टेपिंग पेन रहेगा, जैसे कोई सुई चुबा रहा हो, जबकि हार्ट अटैक का जो पेन है वो स्क्वीजिंग टाइप का रहेगा, जैसे चेस्ट पे किसी ने बहुत भारी वजन रख दिया हो, एकदम घुटन सी रहेगी। साइट ऑफ चेस्ट पेन है कार्डियोफोबिया में सेंट्रल रहेगा, जबकि हार्ट अटैक में पेन स्टार्ट होएगा सेंटर से, लेकिन रेडिएट करेगा नेक में, जाम में, शोल्डर में, आर्म में, फोर आर्म में, पूरा पेन रेडिएट करेगा। चेस्ट पेन का जो ड्यूरेशन है या जो सिम्टम्स हैं वो मोस्टली कार्डियोफोबिया में 20 से 30 मिनट में धीरे धीरे वो सेटल हो जाएंगे, जबकि हार्ट अटैक के जो सिम्टम हैं वो टाइम के साथ साथ और बढ़ते जाएंगे। चेस्ट पेन के साथ में कुछ एसोसिएटेड सिम्टम रहते हैं, तो कार्डियोफोबिया में मेनली शेकीनेस रहेगी पूरी बॉडी में, या हाथ पैरों में कंपन रहेगी, ट्रेमर रहेंगे, टिंगलिंग सेंसेशन रहेंगे जगह जगह, जैसे कोई सुई चुबा रहा हो, हाथ पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन रहेंगे कार्डियोफोबिया में। इसके साथ में स्वेटिंग होएगी, ड्राई माउथ रहेगा और पाल्पिटेशन रहेगा, जैसे हार्ट एकदम से दौड़ रहा है, यानी हार्ट बीट है बहुत तेज हो जाएगी। जबकि हार्ट अटैक में जो एसोसिएटेड सिम्टम है उसमें नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, कोल्ड स्वेटिंग सब रहेंगे। सिचुएशन, जब ये सिम्टम्स होने लगते हैं तो कार्डियोफोबिया में जब भी पेशेंट कोई न्यूज़ सुनता है या देखता है कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है या कोई हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया है, तो उसको एकदम से सिम्टम प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। जबकि हार्ट अटैक में पेशेंट या तो कुछ एक्सरसाइज या कुछ का वर्क कर रहा है या फिर रेस्ट में है, तो भी सिम्टम उसको स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। कार्डियोफोबिया में जब ब्लड टेस्ट, ईसीजी, इको करेंगे तो वो सारे नेगेटिव आएंगे, यानी नॉर्मल आएंगे, जबकि हार्ट अटैक का पेशेंट है उसमें ब्लड टेस्ट में जैसे ट्रोपोनिन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ईसीजी में भी चेंजेज आएंगे, इको में भी हार्ट की पंपिंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो हार्ट अटैक है वो ब्लड सप्लाई की कमी के कारण हो रहा है, हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, जबकि कार्डियोफोबिया में ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, कार्डियोफोबिया के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए एंटी एंजाइटी मेडिसिन दी जाती हैं, बेंजोडाइजीपिन और SSRI, और उसके बाद में लॉन्ग टर्म के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मेडिटेशन, योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और रिपीटेड उनको काउंसलिंग सेशन दिए जाते हैं। जबकि हार्ट अटैक के पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए ब्लड थिनर्स मेडिसिन, एस्प्रिन, बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स, इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस हैं कार्डियोफोबिया और हार्ट अटैक में, जिनको जिनको ध्यान में रख के इजीली दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और बार बार होने वाले जो कार्डियक फोबिया के जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको आप आइडेंटिफाई करें और समझें कि जो बार बार ये आपको हो रहा है, जब भी आप कोई न्यूज़ सुनते हैं, जब भी ये होता है, नॉर्मली आपको नहीं होता, इसका मतलब ये हार्ट अटैक नहीं है, ये एंजाइटी के कारण हो रहा है और ये कार्डियोफोबिया के सिम्टम है। थैंक्स।